मीडिया ट्रायल की वजह से ही मारा गया थी। जितने केस बता रहे हैं, अभी एक केस में सजा हुई है, किसी केस में अतीक अहमद दोष सिद्ध नहीं हुआ, किसी केस में, एक में भी। रोज फर्जी सैकड़ों मुकदमे लोगों के खिलाफ लिखाए जाते हैं, दिखाए जाते कि नहीं दिखाए जाते, दिखाए जा रहे तो संख्या बढ़ जाती। अतीक अहमद 89 में, 91 में, 93 में इंडिपेंडेंट MLA जीते, 96 में या 95 में समाजवादी पार्टी से MLA हुए, 14वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी से फूलपुर से MP हुए। तो ये तो था नहीं कि साहब गुंडा और बदमाश सब चुनाव जीत जाते। तीन बार तो किसी पार्टी ने निर्दलीय चुनाव जीता था, रिकॉर्ड तीन बार लगातार जीता, 89, 91, 93। उसके बाद समाजवादी पार्टी जीते, समाजवादी पार्टी से लोकसभा, जब लोकसभा में वो जीत के आए थे अतीक अहमद, तब मैं लोकसभा का सदस्य था, 37 हमारे MP थे, मैं समाजवादी संसदीय दल का नेता था, 5-4 साल वो हमारे साथ MP रहे। तो है, लेकिन अब मीडिया ने गैंगस्टर और फलाना ये सब बना दिया, तो कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती बड़े बड़े लोगों से। यहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े पदों पर लोग बैठे हुए हैं जो बम फेंक के 10-10, 15-15 लोगों को मरवा दिया, आप सब जानते हैं।